स्टॉक सबसे ऊपर हैं, वो एक्सपेक्टेड भी था वो रिपोर्ट के बाद, और जो यूएस में हुआ वो ग्लोबल क्यूज हैं, लेकिन टिकेंगे या नहीं ये ज़्यादा जरूरी है देखना। खैर एनीवे, फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके स्क्रीन पर और निफ्टी खुल रहा है 114 पॉइंट ऊपर 25,530 पर, बैंक निफ्टी 53,270 पर, फिर ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, 100 पॉइंट का गैप रह गया फिर से यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर। अभी के लिए निफ्टी आईटी में अच्छी रिकवरी है, करीब करीब आधा परसेंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इस समय, स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा 1% ऊपर है, और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार अभी के लिए, 1300 बढ़ने वाले शेयर, 270 गिरने वाले शेयर, कुल मिलाकर मार्केट की अच्छी शुरुआत, मच बेटर देन जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। कल भी यही हुआ था, गिफ्ट निफ्टी से तो मच बेटर शुरुआत हुई थी, और अब निफ्टी बैंक फिर सिर्फ 100 पॉइंट दूर अपने ऑल टाइम हाई से। चलिए अब सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार, और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी और कहाँ पर मंदी। मंदी तो है ही नहीं, हर जगह तेज़ी है। सबसे ऊपर निफ्टी मेटल्स 1.5% ऊपर, ही एक्सपेक्टेड था, बात हुई थी इसकी, रियल्टी 1% ऊपर, उसके अलावा आपका बाकी सारे इंडस्ट्रीज करीब करीब आधा परसेंट ऊपर, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है आज मार्केट में, मेटल्स लीड कर रहे हैं उसको, और रियल एस्टेट इंडेक्स, तो ये दो इंडेक्स हैं जो स्पेसिफिकली स्टैंड आउट कर रहे हैं, हाई बीटा नाम है दोनों, दोनों रिस्क ऑन है और यहाँ पर दोनों में बाइंग है। चलिए निफ्टी गेनर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब करीब 3% ऊपर, टाटा स्टील यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग है, टाटा स्टील 1.5% ऊपर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी करीब 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, हिंडालको, ONGC और HCL टेक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, निफ्टी का हीट मैप देखते हैं अब। टाटा मोटर्स इकलौता लूजर, इकला चलो रे, 1.5% नीचे टाटा मोटर्स, और ऊपर जैसे हमने कहा ही सारे कमोडिटी नाम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडालको, कोल इंडिया, ONGC, दो आईटी नाम, HCL टेक और विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक्स हैं। 90 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब क्रंच होता हुआ, अब सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर रह गया 53,150 पर। अब लेकर आइए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। बिग स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ऊपर 3.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, जेएसपीएल रादर, टाटा स्टील, कोल इंडिया और इंडस टावर, इंडस टावर में हल्की सी बढ़ोतरी है 0.5% की। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं एक बार, कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट है, फेडरल बैंक में करीब करीब 0.5% का मूव है, और एक बार आप मुझे दिखा दीजिए बस वोडाफोन आइडिया वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्या कुछ रिकवरी है, कुछ साइंस है वोडाफोन आइडिया में, 1% ऊपर है, 10.5% का रेट इस समय वोडाफोन आइडिया पर। विरू FNO में क्या इंटरेस्टिंग पिक किया? बिल्कुल डेरिवेटिव्स में मैं देख रहा था आज मूव कहाँ कहाँ पर है, मेटल्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें प्रेजेंस है, जेएसडब्ल्यू स्टील लीडर राइट नाउ इन डेरिवेटिव्स करीब 3.5% ऊपर, उसके बाद अगर आप देखें एग्री कमोडिटीज में बलरामपुर चीनी यहाँ पे 3.25% ऊपर, देन जेएसपीएल 2% ऊपर, नालको 2% ऊपर, टाटा स्टील 1.5% ऊपर, NMDC 1.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 1.4% ऊपर, वेदांता 1% ऊपर, तो क्रमवत तरीके से पूरा का पूरा मेटल्स जो है वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है एट हायर लेवल्स। जरा एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा, जरा इसको देखते हैं कि इसकी इटसेल्फ जो है वो प्लेसमेंट कहाँ की है। निफ्टी मेटल एट 893 ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके इस वक्त ट्रेड करता हो, उसके बाद क्या क्या है अदर देन मेटल्स, एक क्लियर स्विंग दे रहा है इस वक्त ऑटो लीडर फ्रंट लाइन स्पेस में M&M 1.5% ऊपर, अब ये ऑलमोस्ट 5 अगस्त के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे M&M, उसके बाद MCX परसों का मानस का ट्रेड था, कल थोड़ा डिप आया था लेकिन आज फिर कूलिंग ऑफ के बाद कल की स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और फिर कुछ मिड कैप आईटी कैंडिडेट्स हैं परसिस्टेंट करीब 1% ऊपर, लेकिन एक स्टॉक और रखूँगा आई थिंक दैट्स ग्रेनुअल्स, लगभग 1.5% ऊपर 7-8 दिन की जोरदार सेलिंग के बाद एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर, बट आज का दिन एज ऑफ नाउ बिलोंग